हम लोगों ने ब्लड डोनेट होते हुए देखा है एक शरीर से दूसरे शरीर में, यहाँ तक कि प्लाज्मा भी दान हो जाता है। लेकिन गुरु ये स्ट्रेंथ दान मैंने आज तक नहीं देखा, वो भी जादू टोने की मदद से। भाई साहब कहाँ प्राइम प्ले वाले खेल रहे हैं, समझ रहे हो? तो फाइनली यहाँ पे प्राइम प्ले पर हम लोगों को सीरीज देखने को मिलने वाली है। खुशी हुई, अच्छा लगा सीरीज का ट्रेलर को देखकर। तो फाइनली मैंने दान वेब सीरीज का ट्रेलर देखा। अब इस ट्रेलर में क्या अच्छा और क्या बुरा है, यही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो एंड स्वागत है आप सभी का। देखा आप लोगों ने, मैंने कहा था ना प्राइम प्ले वापस आएगा, फाइनली प्राइम प्ले वापस आ गया है अपनी सीरीज को लेकर। ट्रेलर को यहाँ पे देखकर खुशी हुई, भले ही ट्रेलर कैसा हो, सीरीज कैसी भी निकले, लेकिन ट्रेलर मैं यहाँ पे देखकर खुश हूँ। और यहाँ पे काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे, भाई प्राइम प्ले चलो वापस आ जाएगा लेकिन पहरेदार का फाइनल सीजन हम लोगों को देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। पहरेदार के फाइनल सीजन के ना रिलीज होने का कारण है गुरु सीन। अभी जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, आप अच्छे से जानते हो कि क्या हो रहा है प्राइम प्ले वालों के साथ। गवर्नमेंट के साथ साथ पुलिस भी दबाव दे रही है कि सीन के मामले में कोई भी सीरीज ज्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर से हम लोग एक्शन लेंगे। इसी के कारण अभी तक पहरेदार का फाइनल सीजन हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। और आप ये भी अच्छे से जानते हो किसी भी सीरीज के फाइनल सीजन में हम लोगों को सीन कितने ज्यादा दिखाए जाते हैं। अगर फिर से ऐसा हुआ तो फिर से पुलिस इन पर दबाव डालना स्टार्ट कर देगी, जो कि प्राइम प्ले वाले ऐसा नहीं चाहते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पहरेदार का फाइनल एपिसोड आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन गुरु अभी प्राइम प्ले वाले चाह रहे हैं कि मैटर थोड़ा ठंडा हो जाए। जब तक मैटर ठंडा नहीं होता तब तक कोई भी इतनी भारी सीरीज रिलीज नहीं करेंगे जिसमें सीन काफी ज्यादा हो। बस समझ रहे हो आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी सीरीज सीन के मामले में ज्यादा ऊपर जाएगी वो अभी रिलीज नहीं होगी। एक अच्छा एग्जाम्पल आप लोग अदला बदली का पार्ट टू ले सकते हो। और बात रही यहाँ पे दान सीरीज की, तो देख लेना ये सीरीज भी सीन के मामले में ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाली है। समझो सीरीज आप लोगों को ठीक ठाक तरीके से देखने को मिलेगी। ज्यादा एक्सपेक्टेशन वो भी सीन को लेकर एकदम बेकार है इस सीरीज से। नो डाउट सीरीज में एक्ट्रेस काफी अच्छी है और सीरीज की स्टोरी भी ठीक ठाक ही लग रही है, देखने लायक है। देखते हैं क्या होता है। फ्राइडे के दिन ये सीरीज रिलीज हो रही है प्राइम प्ले के ऐप पर, और हो सकता है इस सीरीज में आप लोगों को 7 या फिर 8 एपिसोड देखने को मिले। फ्राइडे के दिन ये सीरीज रिलीज होगी, आपका भाई उस दिन रिव्यू लेकर पहुंच जाएगा और बता देगा क्या प्राइम प्ले पहले जैसा ही है या फिर अब वो चेंज हो गया। तो बस गाइज ये था वो छोटा सा रिव्यू जो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ।